नमस्कार एंड गुड इवनिंग। जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार और कई राज्यों ने पिछले कुछ सालों में ट्रांसजेंडर्स के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ट्रांसजेंडर जिनका नाम है एडम हैरी, उनकी एक दुख भरी कहानी बहुत वायरल हो रही है। ट्रांसजेंडर एडम हैरी, जो कि बचपन से ही पायलट बनना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए बहुत हार्डवर्क भी किया, लेकिन सिर्फ जेंडर की वजह से उनका सारा सपना टूट गया। वो पायलट कैसे बने, इसके बारे में एक रिपोर्ट के तहत बताया जाता है कि एडम हैरी ने प्राइवेट पायलट लाइसेंस का एग्जाम दिया था, जिसके बाद उन्हें 2017 में जोहान्सबर्ग में प्राइवेट पायलट का लाइसेंस मिला भी। अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने जस्टिस विभाग से मदद भी मांगी और उसके बाद केरला गवर्नमेंट ने उन्हें 22,34,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी और इसके बाद एडम हैरी ने एशियन एकेडमी ज्वाइन कर लिया और फिर जल्द ही क्लास 2 के लिए हैरी ने मेडिकल एग्जाम भी दिया। तो बहुत दिक्कत आई। क्यों आई? क्योंकि एडम हैरी को जन्म से महिला घोषित किया गया था। उन्होंने महिला के रूप में ही अपनी एप्लीकेशन दी। आपको यहां बताना चाहेंगे कि एडम हैरी ट्रांस मैन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हैरी को जन्म से ही महिला घोषित किया गया था, तो उन्होंने महिला के रूप में ही अपनी एप्लीकेशन दी, लेकिन अधिकारियों के सामने उन्होंने खुद को ट्रांस मैन के रूप में आइडेंटिफाई किया। डीजीसीए के मेडिकल एग्जाम में नॉन बाइनरी जेंडर के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। साइकोमेट्रिक टेस्ट में हैरी को अनफिट घोषित कर दिया गया। डीजीसीए ने उन्हें जेंडर डिस्फोरिया, यानी कि जन्म के समय दिए गए लिंग और अभी के लिंग में मेल नहीं होना, उसे ही जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है, तो उसके आधार पर अयोग्य घोषित उन्हें कर दिया गया और उन्हें क्रॉस सेक्स हॉर्मोन्स थेरेपी से अब गुजरना है। तो उन्हें अपना पूरा इलाज कराने और मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की सलाह दी गई। हैरी की इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में मेडिकल जांच हुई और उस अनुभव को लेकर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो ज्यादातर अधिकारी थे वो ट्रांसफोबिक थे और मेरे शरीर के बारे में बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे मैं किसी से शादी कैसे करूंगा। और जब मैंने एक महिला अधिकारी के लिए कहा तो वो मुझे कपड़े उतारने की धमकी देने लगे। वो 200 लोगों की जान जोखिम में कैसे डाल सकते हैं। 5 महीने बाद जब उन्हें मेडिकल टेस्ट में मंजूरी मिली तो डीजीसीए ने उनसे कहा कि वो अभी दवा पर हैं, इसीलिए उन्हें फिट घोषित नहीं किया जाएगा। उन्हें उनके डॉक्टर ने इलाज चलने की सलाह दी और वो अपने पेशे के लिए अपनी पहचान का त्याग नहीं कर सकते थे। वो चाहते हैं कि अब वो जैसे हैं वो वैसे ही उड़ान भर सकें। जब डीजीसीए से पूछा गया कि मेडिकल टेस्ट में फेल करने का आधार हार्मोन थेरेपी क्यों बताया गया, तो एक अधिकारी ने कहा कि हैरी को बताया गया था पहले से ही और कुछ मेडिकल एथिक्स की वजह से ये बात मीडिया में नहीं बताई जाएगी। सो इस बात पर एडम हैरी कहते हैं कि मैं इन सबसे लड़ने के लिए आज भी तैयार हूं और दूसरों के लिए उम्मीद की एक खिड़की खोलने के लिए भी मैं तैयार हूं और मेरी लड़ाई जीवन भर चलेगी। एडम हैरी अब अपील कर रहे हैं कि उन्हें लाइसेंस दिया जाए उड़ान भरने के लिए। उन्होंने ट्रेनी पायलट की अपनी पूरी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और वो बहुत योग्य हैं। ट्रांसमैन एडम हैरी की ये कहानी
एक बहुत ही योग्य पायलट, लेकिन अब क्या करने के लिए मजबूर हैं? आज वो सिर्फ एक डिलीवरी मैन बन चुके हैं, वो डिलीवरी कर रहे हैं, और किस तरीके से ये हार्डवर्क, ये उनकी जो एक फर्श से अर्श तक की कहानी जिसके बीचों बीच उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया, लेकिन आज वो बार बार अपील कर रहे हैं कि उन्हें उड़ान भरने के लिए, उन्हें उन्हें अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए ये लाइसेंस दिया जाए, लेकिन DGCA ये लाइसेंस उन्हें नहीं दे रहा है, और जब तक वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें ऐसे ही अपना काम करना पड़ेगा। अपील भी एडम हैरी ने हाल ही में की है, क्या कुछ कहा उन्होंने आइए सुनते हैं। I started my flying in the year of 2016 and I have a private pilot license. When I disclosed my identity in the year of 2017, I discontinued my education when my parents forced me to come back to India. I did my PPL from Johannesburg and then I was disowned by my family. So in meanwhile, I worked as a juice maker and delivery boy to survive. As a first step, to convert my private pilot license to India, I applied for a class 2 medical with an authorized DGCA medical officer. I went through several tests like any other one. He wrote that as I am a transgender person, I was undergoing hormone therapy. He used a medical term, gender dysphoria, which is very problematic. And DGCA grounded me for 6 months. They made me unfit, temporarily unfit for 6 months. Then I wrote a letter regarding this and I asked them what should I do. Then they said this is a special medical case, I have to undergo the medical evaluation at IAM only. So I applied for the review medical test at IAM and I was subjected to invasive medical procedures. For cisgender people, it take only a single day to complete this class 2 examination. And for me, it took a whole week to complete this evaluation as I was taken through invasive medical tests to prove that I am mentally and physically fit. I did not had any clinical indication in my medical test that endanger aviation safety. So they said that I cannot fly as long as I am on hormones. They rejected it because they said I have discrepancies in my documents. I was forced not to change my gender in the document because if I change my gender in documents, they won't accept me because I am a transgender person. When I went to South Africa to revalidate my license, they accepted me. They gave me medical. Even though I am on hormone therapy, even though I undergo surgery, they don't have any problems. And they accept me as who I am. So I don't have any objections to complete my training from South Africa. And I have my medical valid till 2026. This is a clear case of discrimination that I am facing from DGC. आपने भी सुनी, एडम हैरी का जन्म केरल के त्रिशूर में मुस्लिम परिवार में हुआ था और शुरू से ही उन्हें एक महिला का रूप दिया गया था। बड़े होकर जब उन्होंने अपने बाल कटवाने चाहे तो उनके परिवार वालों ने उन्हें खूब पीटा, और 17 की उम्र में जब उन्होंने ट्रांस मैन होने की बात कही तो उनके घर वालों ने उन्हें 10 महीने के लिए हाउस अरेस्ट तक कर दिया। उन्हें खूब पीटा गया और एक महिला की तरह रहने का दबाव उन पर डाला गया, जो अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन कुछ समय बाद हैरी जो हैं वो घर से भाग गए थे, हर ट्रांस जेंडर की तरह, और कुछ दिनों तक वो फुटपाथ पर रहे और एक जूस की दुकान पर उन्होंने काम भी किया, और उसके बाद उन्होंने ट्रांस मैन की तरह रहने का फैसला किया। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ट्रांसजेंडर को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है अब तक, और आज भी करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से, दुनिया की हर गवर्नमेंट की ओर से इन लोगों को जो है, इस कम्युनिटी के लोगों को पूरी सुविधाएं और इनके लिए भी अलग कानून और सभी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, लेकिन देखा गया है कानूनी तौर पर उसके कंपैरेटिवली अगर सामाजिक तौर पर इन्हें एक बड़ा सपोर्ट मिल जाए तो फिर इन्हें किसी तरीके की कोई कठिनाइयों का सामना करना ही ना पड़े। सो, हम इस मसले पर पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ट्रांसजेंडर को अनेक कठिनाइयों का आज भी जिस तरीके से सामना करना पड़ रहा है, वो यही हमें इंडिकेट करता है कि आज भी इन्हें ये अपने
संघर्ष के लिए इतनी लंबी लड़ाई आखिर क्यों कर रहे हैं? किसका इंतजार हो रहा है? किस बदलाव की उम्मीद अभी भी ये लोग कर रहे हैं? ट्रांसजेंडर्स को अभी तक अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और उनके प्रति समाज का रवैया भी असम्मान ही रहता है और कहा जा सकता है ये आज भी है। उन्हें अपने ही घर से निकाल दिया जाता है और अपने ही परिवार के लोग उन्हें छोड़ देते हैं। ये भेदभाव उनके जन्म लेने के साथ शुरू हो जाता है और कहा जा सकता है कि जन्म लेने से ही एक संघर्ष शुरू होता है और उनके मरने तक ये जो संघर्ष है उनके साथ चलता रहता है। वो हर बार उस प्रेम, उस सम्मान और उस मर्यादा से किसी ना किसी तरीके से महरूम आखिर रह ही जाते हैं जिसके वो एक्चुअल में हकदार भी हैं। उनके साथ सामान्य लोगों से अलग व्यवहार किया जाता है, जबकि हमें ये समझने की जरूरत है आज कि वो भी आश्चर्यजनक रूप से एक संतुलित मनुष्य होते हैं। ट्रांसजेंडर्स ने अपने साथ होने वाले इस भेदभाव का हमेशा से ही विरोध किया है और अनेकों बाधाएं दूर भी वही करते आए हैं। ट्रांस समुदाय ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आज हासिल की हैं और हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं और बीते एक दशक में ट्रांसजेंडर्स आंदोलन में उल्लेखनीय प्रगति होने और महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिलने के बावजूद आज भी उनके साथ ये भेदभाव खत्म नहीं हुआ। सवाल ये कि आखिर ये भेदभाव क्यों खत्म हुआ है, क्यों खत्म नहीं हो रहा है? आज के हमारे स्ट्रेट टॉक इस विषय का ये मूल सवाल जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ी ही देर में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं इस प्रोग्राम में। आप भी जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक मेरे साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे। उड़ान सपनों की आज बात हम कर रहे हैं प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में और एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एडम हैरी की स्टोरी का आज जिक्र। एडम हैरी जब हालांकि उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग अभी शुरू की थी, काफ़ी चर्चाओं में वो उस वक्त भी आए थे क्योंकि ही इज़ द फर्स्ट ट्रांस पायलट ऑफ इंडिया। लेकिन अब जब उन्हें DGCA की ओर से उड़ान भरने का लाइसेंस नहीं दिया गया है तो आज वो कुछ और ही करने के लिए मजबूर हुए हैं। सो जैसा कि वो अपने एक्सपीरियंस में पहले ही बता चुके हैं कि एक भेदभाव वाला जो उनका संघर्ष, ये भेदभाव जो उनके साथ अभी तक चलता आया, ये जन्म लेने के साथ ही शुरू हो गया। सो कहीं ना कहीं आज ट्रांसजेंडर्स उस प्रेम, सम्मान, मर्यादा से महरूम अब भी हैं। हालांकि तमाम फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की गई हैं, जिसके वो हकदार हैं, वो उन्हें मिला भी है हक, लेकिन फिर भी सामाजिक तौर पर वो हक उन्हें अभी तक नहीं मिल पा रहा है। वो सम्मान वो नहीं पा पा रहे हैं, वो अर्जित ही नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ सामान्य लोगों से अलग व्यवहार किया जाता है, जबकि आज हम सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि आश्चर्यजनक रूप से एक संतुलित मनुष्य वो भी हैं। ट्रांसजेंडर्स ने अपने साथ होने वाले इस भेदभाव का विरोध किया है और अनेकों बाधाएं दूर भी की हैं। ट्रांस समुदाय ने स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य क्षेत्रों में बड़ी अचीवमेंट्स अब तक हासिल की हैं। सो जैसा ब्रेक में जाने से पहले हमने कहा कि एक दशक में ट्रांसजेंडर्स आंदोलन में उल्लेखनीय प्रगति होने और महत्वपूर्ण कानूनी जीत मिलने के बावजूद भी आज उनके साथ जो भेदभाव है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक मूल सवाल कि जीवन भर लड़ाई लड़ने को आखिर क्यों मजबूर हैं ट्रांसजेंडर्स। हालांकि आज के इस टॉपिक पर मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ने वाले थे, लेकिन मेरे साथ अभी फिलहाल एक ही खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रही हैं इस वक्त, ट्रांस वुमेन MX धनंजय चौहान जी, जो इससे पहले भी मेरे साथ एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, चर्चा कर चुकी हैं इसी विषय को लेकर, क्योंकि आज एडम हैरी की ये स्टोरी और उसके साथ एक संघर्ष जो उनकी अपनी ज़िंदगी का खुद रहा, उनके पार्टनर का रहा, जो आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन किसी दिक्कत की वजह से, अपने एक पर्सनल रीज़न की वजह से वो हमसे जुड़ नहीं पाए हैं। सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करूंगी प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थोड़ा मेरे जो मेरे पार्टनर थे उनकी तबीयत ठीक नहीं हूँ तो वो नहीं जुड़ पाए, और आपका मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप हमेशा ये टॉपिक उठाते हैं
जो कि आज के समय में बहुत कम लोग ऐसे टॉपिक उठाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद आपका धनंजय जी, क्योंकि मैं आश्चर्यजनक रूप से आपने जिस तरीके से आपकी खुद की एक स्ट्रगल स्टोरी रही है, क्योंकि मैं अपने एक अन्य प्रोग्राम के माध्यम से मेरा पहला एपिसोड भी आप ही के साथ था, और वो संघर्ष भरी कहानी जो आपके जन्म से लेकर शुरू हुई और अब तक वो संघर्ष जारी है, बहुत अचीवमेंट्स आपने हासिल की। आप एक ट्रांस एक्टिविस्ट भी हैं और आज उनके वजूद की लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी कम्युनिटी के वजूद की जो लड़ाई है वो इस वक्त लड़ रही हैं। बहुत अच्छा इस वक्त आपका जो काम, एंड हम ये कहेंगे वी मस्ट से कि वो कमेंडेबल है, अमेजिंग है। आप इस तरीके से ही वो संघर्ष करते रहिए। लेकिन मूल सवाल एडम हैरी, जिसका जिक्र हम आज इस प्रोग्राम में कर रहे हैं, एडम हैरी की वो स्टोरी जो उनके जन्म के साथ ही शुरू हुई, और मेरे ख्याल से धनंजय जी ये जो कहानी है वो एक हर ट्रांसजेंडर्स के साथ जुड़ी हुई है। जन्म लेने के साथ वो संघर्ष शुरू होता है और मरते दम तक वो संघर्ष उनके साथ ही रहता है। तो क्योंकि जीवन भर लड़ाई लड़ने को आखिर क्यों मजबूर है ट्रांसजेंडर्स, ये सबसे पहले मैं सवाल आपसे करूंगी। उसके बाद मैं एडम हैरी उनकी इस कहानी का जिक्र, उसका भी मैं एक टेक जो है वो आपसे जरूर लूंगी। जी धनंजय जी, देखिए, ट्रांसजेंडर जो है वो बचपन से लेकर मृत्यु तक बहुत संघर्ष करते हैं। उसका कारण यही है कि समाज में हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम क्या है कि समाज अभी अवेयर नहीं है, समाज में जागृति नहीं है, और लोगों में जो दिखता है वो दिखता है, जो जो सामने दिखता है शरीर का, उनको ये नहीं समझ आता कि जो शरीर है वो हमारे ब्रेन से, जो ब्रेन है वो तो दिखाई नहीं देता है, जो मैं डिसाइड करता है। जब हम पैदा होते हैं तो कोई भी बच्चा चिल्लाते हुए तो नहीं आता ना कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं ट्रांसजेंडर हूं। उस समय घर वाले या जो आसपास या डॉक्टर कोई भी हैं उसका शरीर देखकर उसका जेंडर निर्धारित कर देते हैं। जी हालांकि हम लोग जन्म के 5 मिनट तक तो स्वतंत्र रहते हैं, उसमें उसकी जाति नहीं होती, उसके धर्म नहीं होता, उसका लिंग नहीं होता, वो बिल्कुल पाप मुक्त होता है, किसी भी द्वेष से मुक्त रहता है। लेकिन जैसे उसके बाद फिर समाज उसका नामकरण कर देता है, लिंग का निर्धारित कर देता है, सब कुछ उसको पहना देता है, तो वो जिंदगी भर उन्हीं चीजों से लड़ता रहता है। और वो जब एक बार नामकरण हो गया तो वो जहन से निकलता नहीं किसी के, उसके दिमाग से निकलता नहीं, समाज के दिमाग से, कि एक बार चीजों को बैठा दिया गया उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो अगर 5-6 साल बाद बच्चा अपने आप को, जो उसका नामकरण या जो भी उसका निर्धारित किया गया है उससे उलट चलता है तो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि जी उसने तो ऑलरेडी उसका फिक्स कर दिया कि तुमने बस इसके अलावा कुछ नहीं डिसाइड कर सकते हो। इवन कि हम शादी भी करते हैं तो अपनी मर्जी से तो कोई भी नहीं करता है। मोस्टली जो 80% लोग हैं इंडिया में वो शादी भी माँ बाप के कहने पे ही करते हैं, जी अपनी मर्जी से, अपनी पसंद के नहीं करते हैं। जी अब हम लोग जब भी हम पूछते हैं ना, आप सब लोग पूछते हो कि अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है। जी अरेंज मैरिज तो ज्यादा ना, मतलब ये हमारी भाव में नहीं उठती नहीं है, जी जैसे कि नहीं लव मैरिज है, अच्छा लव मैरिज है, तो चीजें ना नॉर्मल नहीं मानी जाती हैं। और ये अगर कोई इंसान डिसऑर्डर हो जाता है, अगर वो अलग रास्ता अपनाता है तो फिर उसके पीछे सारी दुनिया पड़ जाती है, उसको छोड़ते नहीं जब तक वो मरता नहीं है। तो यही ट्रांसजेंडर कहानी है, जब वो अपना जेंडर, जो असाइंड सेक्स है, हमें ये भी समझना होगा कि सेक्स और जेंडर दोनों अलग चीज है। सेक्स जी में हमारा जो असाइंड बॉडी होती है वो तो सेक्स बोलते हैं, और जो जेंडर है वो सोशल समाज हमें देता है। जब जन्म, मैंने भी कहा ना, 5 मिनट जन्म के 5 मिनट बाद जब तब हमारे को दे दिया जाता है, वो जेंडर है, हमारा हमारी पहचान है, तो वो ज्यादा मायने रखती है क्योंकि उसको कनेक्ट कर दिया लगता है कि लोगों की यही सेक्स है।
सेक्स नहीं है, सेक्स तो बॉडी है, जेंडर हमारी पहचान है कि हम लोग अपने आप को कैसे पहचानते हैं, हम लोग लड़का मानते हैं अपने आप को या लड़की मानते हैं, ये सारी जिंदगी चलता रहता है। और फिर इसके लिए मतलब यही है ना, लोग जैसे अभी असली नकली का भी बड़ा लोचा है जी। तो लोग बोलते हैं कि इसका इसके कपड़े खोल के देखो कि ये हाँ लड़का है या लड़की है। जी तो अभी एक वीडियो वायरल हुई थी हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के, तीन स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे थे तो इंटरव्यू कर रहे थे, तो वही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है उनका मजाक बना रहे थे कि तो लड़का है लड़की है, इनको हॉस्टल क्यों मिलना चाहिए, इनको लड़कियों के हॉस्टल में क्यों डालना चाहिए, तो अगर ये पढ़ने आए तो पढ़े चुपचाप, ऐसे ऐसे करके ना मतलब हमें डेरोगेटरी रिमार्क कर रहे थे, मतलब ना कह रहे कि ये लड़का है लड़की, इनको क्या बोले, बहन बोले भाई बोले, जब तुम इतना सेंसिटाइज नहीं हो तो तुम आज पढ़े लिखे वो लॉ स्टूडेंट थे, आप सोचिए लॉ स्टूडेंट जब आप हमारे साथ इतना भेदभाव कर रहे हैं तो आम देहात गांव देहात वाले क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो चीजें ना सारी जिंदगी आप सोचिए बदलेगा नहीं समाज, जब तक ये हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलता ना, और शुरू से बचपन से तब से तब तक ये नहीं समझ आएगा किसी को, और ये मेरे को लग सदियां लग जाएंगी जब तक बदलते बदलते, अभी बहुत टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है सब चीजों को। अपने आप को मानना, अपने आप को पहचान के साथ आगे बढ़ना, अपना डिसीजन लेना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। धनंजय जी, वी फील कि एक इंसान की जिंदगी में जब कोई मुश्किलें आती हैं उसको एक्सेप्ट करना, सबसे पहले तो एक इंसान को खुद को ही एक्सेप्ट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आज जब ये खुद अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो वो हैं एक्चुअल में, जब वो आज उसे बहुत हिम्मत जुटा कर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये जो हिम्मत है वो सामाजिक तौर पर उन्हें मिल नहीं रही है, और हम कह सकते हैं कि फिर वो एक जुटाई गई जो हिम्मत है ना वही उन्हें कहीं ना कहीं अंदर से तोड़ देती है। एडम हैरी जो अंदर से आज जरूर टूटे होंगे, जिन्होंने सपनों की उड़ान भरी है अभी, लेकिन एक लाइसेंस ना मिलने की वजह से वो एक अपील आज बार बार कर रहे हैं, मैं उनसे भी मैं उन पर भी आपका जो एक टेक जरूर लूंगी, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं धनंजय जी, तुरंत लौटेंगे, दर्शकों से भी कहेंगे जुड़े रहिएगा हमारे साथ स्ट्रेट टॉक में, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक मेरे साथ, और आज जो फर्स्ट ट्रांस पायलट ऑफ इंडिया एडम हैरी की कहानी, जैसा कि हमने आपको बताया कि सपनों की उड़ान, ये जो सपना बचपन से पाला हुआ और इसके लेके उड़ान भरनी शुरू भी की धरातल से, पायलट भी बने, ट्रेनी पायलट की पूरा कहें एक जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो करते हुए उसकी पूरी पढ़ाई की, तमाम एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास किए, लेकिन पायलट बनने का सपना तब पूरा होता है जब कोई पायलट अपनी जो है पहली उड़ान भरता है, और इस उड़ान को भरने के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है DGC के ओर से, वो लाइसेंस एडम हैरी को नहीं मिला। देखा गया है कि ये सिर्फ एक जेंडर की वजह से उनका जो सपना है वो टूटा है। सो ट्रांस समुदाय आज भी समाज के हाशिए पर खड़ा है, और उन्हें मुख्य धारा में लाना एक बड़ी चुनौती इस वक्त बना हुआ है। मेरे साथ धनंजय चौहान जी इस वक्त जुड़ी हुई हैं, और धनंजय चौहान जी के बारे में यदि आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी की वो फर्स्ट ट्रांस वुमेन स्टूडेंट रही, और अपनी पूरी स्टडी उन्होंने वहाँ पर की, और तमाम चुनौतियों को पार करते हुए एक रुतबा जो है वो वहाँ पर हासिल किया, और आज ग्राउंड लेवल पर अपनी कम्युनिटी के लिए सक्षम ट्रस्ट भी वो चला रही हैं जिसकी वो चीफ भी हैं, और तमाम आवाज़ बुलंद करके उनके लिए आज लड़ाई लड़ रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। एक बड़ा नाम है धनंजय चौहान और उनके पार्टनर रुद्र प्रताप, जो एक MNC में क्योंकि जॉब्स पाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है ट्रांसजेंडर्स को, लेकिन आज उनके पार्टनर रुद्र प्रताप जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने वाले थे लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो जुड़ नहीं पाए। आई रियली वॉन्टेड कि एडम हैरी की जो एक कहानी रुद्र प्रताप के साथ काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन जिस तरीके से आज रुद्र प्रताप भी MNC में एक सेल्स में अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव में एक कहें
अच्छा काम कर रहे हैं और इस अच्छे काम को अर्जित करने के पीछे एक बड़ी स्टोरी जो है वो उनके साथ भी जुड़ी हुई है। सो मैं धनंजय चौहान जी आपसे उनकी स्टोरी जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले क्योंकि एडम हैरी उनकी जो एक वायरल हो रही है आज स्टोरी और जो एक अपील वो लगातार DGCA से कर रहे हैं, उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म पर भी एक सवाल आम खड़ा हुआ कि ये सिर्फ एक बहाना ही है। मैं आपसे यहां पर जानना चाहूंगी कि DGCA की ओर से एडम हैरी को लाइसेंस ना मिलना ये कानूनी तौर पर लिया गया एक सही फैसला है या फिर DGCA का भी एक तरीके का बहाना है जो एडम हैरी को लाइसेंस नहीं दिया गया, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? मेरे हिसाब से ये बहाने हैं, क्योंकि किसी इंसान को उसके अधिकार देना इतना आसान तो नहीं होता कि पहले तो महिलाओं को भी जब पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं जब जॉब करने आई आजादी के बाद तो लोगों ने बहुत प्रश्न उठाए कि महिलाएं क्यों हमारी जॉब्स को हड़प रही हैं, और अब ट्रांस वुमेन ट्रांस मैन भी हैं तो इसके लिए भी लोगों को ऑब्जेक्शन है कि ये लोग क्यों आ गए हैं हमारी जॉब्स को हड़पने के लिए। Okay. चलो ये तो बात है, लेकिन बात है कि जिस तरह से उनको पायलट का लाइसेंस नहीं मिला वो एक बड़ी हास्यास्पद एक घटना है, ये चीजें होनी नहीं चाहिए। उन्होंने अपना जो करियर है जैसे उन्होंने जो भी काम करना है वो दिमाग से करना है, हाथ से करना, पांव से करना, अपने जेंडर से नहीं करना है। जो जहाज है वो तो अपने अपने उसका जो ट्रेनिंग है उसके कारण उन्होंने उड़ाना है, वो जितना ज्यादा ट्रेनिंग जितना दक्ष होंगे उसमें और उनके हाथ पांव सब कुछ चलता है उनका, वो नॉर्मल सभी नॉर्मल होते हैं, वो भी नॉर्मल इंसान है जी, तो उनको नॉर्मली लेना। तो ये जो डिसीजन है ये बहुत एक तरफा है, स्टीरियोटाइप है, और वो शायद इतिहास भूल गए हमारा कि किस तरह से जो जहाज है जो कुबेर का जहाज था जिसमें जिसको रावण ने ले लिया था उसको बनाने वाले भी कुबेर जो थे यक्ष लोग थे जी, और वो हमारी कम्युनिटी से थे, जो जिन जिन्होंने ये परंपरा शुरू की वो यक्ष लोग किन्नर गंधर्व और यक्ष लोग जी, जी, ये भगवान शिव के दरबार में बैठने वाले पहले पार्षद हैं और यक्ष लोगों का ही वो जो ज्ञान था जिसको रावण ने उनसे छीन लिया था कुबेर से। तो आज जो और ये भी इतिहास नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से शिखंडी ने एक सेनापति होते हुए महारथी होते हुए भीष्म माँ पिता को उनके मृत्यु तक पहुंचाया था, कोई कारण बने थे उसके जी। तो ये इतिहास है, वो एक ट्रांस मैन थे, वो हिजड़ा नहीं थे, वो एक ट्रांस वुमेन नहीं थे, ठीक, वो पिछले जन्म में अंबा थी और फिर वो द्रुपद के घर में उसका आविर्भाव होता है और उसके बाद उसका पालन पोषण एज ए वो होते हैं औरत के शरीर में है, लेकिन वो अपने आप को मर्द मानते हैं, पुरुष मानते हैं जी। और इसीलिए भीष्म पितामह जब उनको देखते हैं युद्ध में तो उनको उनके ऊपर बाण नहीं चलाते, वो कहते हैं कि तुम तो स्त्री हो, मैं स्त्री पे युद्ध नीति ये कहती है कि स्त्री पे बाण नहीं चलाना चाहिए। तो शिखंडी ने शिखंडी बीच में थे, अर्जुन ने उसके बाद तीर चलाए और भीष्म पितामह को धराशायी किया। तो ये जो कारण बनता है और जो ट्रांसजेंडर का जो किरदार है जो उनकी भूमिका है वो हर जगह बड़ी निर्णायक रही है जी। आज तीनों सेनाएं चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, उसमें हम सबको मौका मिलना चाहिए और हम लोग किसी से कम नहीं है, हम लोग सेनापति रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे वो मलिक, उनका नाम मलिक काफूर था, वो सेनापति था और वो दक्षिण फतेह करने जब गया उस कोहिनूर हीरा लेके आया विजय के साथ, और आपको पता है कि कोहिनूर हीरा कितना कीमती था,
और वो अलग अलग राजाओं के पास जाते हुए आज वो इंग्लैंड की महारानी के जो मुकुट है उस पे सजा हुआ है। तो उसको जो लाने वाला भी वो भी हिजड़ा था, वो भी ट्रांस वुमेन था। तो मैं कहानियों की जब आपको हिस्ट्री का बताऊंगी तो ये तो एक झड़ी लग जाएगी कि किन्नर के बिना, ट्रांसजेंडर के बिना, ट्रांस वुमेन ट्रांस मैन के बिना इतिहास अधूरा रहा है। और आज कह रहे कि ये औरत है कि मर्द है, तो जब आपको मुसीबत पड़ती है, जब आपके हरम की रक्षा करनी होती है, जब आपको कोई भी घर पे मुसीबत होती है, तब तो आप भागे भागे हमारे पीछे पीछे घूमते हो कि आशीर्वाद दे दो। जब हमारे आशीर्वाद से आपका घर फल फूल सकते हैं, तो हमारे आशीर्वाद से आप कभी आपका जीवन विनाश नहीं होगा। हम जहाज चला के आपको नैया पार भी करा सकते हैं, ये मान्यता मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज टेक्निकली साइंटिफिकली बात करूं तो सभी लोग जब अगर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, या वो ट्रांस वुमन ट्रांस मैन हो, प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है उससे इंसान परफेक्ट होता है। त्रुटियां तो सभी से हो सकती है, बहुत जरूरी नहीं कि ट्रांसजेंडर हो गया तो उससे कोई इससे कोई त्रुटि हो जाएगी। उनका बड़ा ही अजीब वो ये कमेंट था कि ये लोग डिप्रेशन में होते हैं, इनको एंग्जायटी होती है, ये जेंडर डिस्फोरिया जी, ये एडम हैरी के साथ भी था जी, यही जो रीजंस कुछ बताए गए। तो ये सब बेकार की चीजें, सभी के साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, उन चीजों से निकलते भी है, सारी जिंदगी उसी में थोड़ी फंसे होते हैं। ये जेंडर डिस्फोरिया या एंग्जायटी डिप्रेशन किसने दिया है? वो समाज ने तो दिया है। आई मीन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड, ये वर्ड किसने इजाद किया? मैंने किया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं गलत शरीर में पैदा हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, मैं उससे करेक्शन भी हो सकती है। मैं गलत संसार में पैदा, मैं सही शरीर में पैदा हुई और गलत संसार में पैदा हो गई, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। मैं आपके सामने मैं डबल एम ए करके पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टिल अभी पढ़ रही हूँ, और आगे मेरा जो पार्टनर है वो भी जॉब कर, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, दुनिया भर में हम लोग फ्रंट सीट में बैठते हैं, हमें इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में लेक्चर के लिए मुझे बुलाया जाता है। तो मैं पागल थोड़ी कि मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ, जिनको जो हमें बोल रहे हैं कि आप डिप्रेशन में हो, मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ कि भाई वी पीपल आर वेरी फेब, हम लोग फेबुलस हैं, हम लोग यूनिक हैं, डिफरेंट हैं, डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग, डिफरेंट ऑलवेज यूनिक। हम उनको सिखा रहे हैं कि आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो। आप सोचे जितनी मुसीबतें हम पे आती हैं, कोई नॉर्मल इंसान आपके बच्चों में थोड़ा सा बोल के देखिए अपने बच्चों को, वो आपको खाने को दौड़ेंगे, और हमें तो घर से निकाल दिया जाता है, फिर भी हम लोग मरते नहीं है, हम लोग जीवित रहते। लाखों लाखों ट्रांसजेंडर जो है वो अपनी आजीविका, अपने पेट भरने के लिए, चाहे वो जो भी कर रहे हैं, सेक्स वर्क कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, बत्ती मांग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो फांसी नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये जो चीजें हैं, आप सोचिए जो उनका तर्क है, ये कुतर्क है, जो उन्होंने तर्क दिया वो कुतर्क है। ये परमानेंट नहीं रहता है, जो डिप्रेशन निकलता भी है, ऐसा थोड़ी सारी जिंदगी हम डिप्रेशन में रहेंगे। डिप्रेशन में मैं कब थी? जब मैं टेंथ में थी, नाइन टेंथ में थी। वो किस क्यों थी डिप्रेशन में? क्योंकि मुझे छक्का बोला जाता था, मुझे हिजड़ा बोला जाता था, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, तभी डिप्रेशन आता। अगर सब लोग नॉर्मल, अब ये चीजें ना नॉर्मली अपने घर में भी इसको ट्रांसजेंडर मतलब इसको छोड़ दीजिए, ट्रांसजेंडर घर में कुछ भी, आप किसी एक इंसान को तवज्जो नहीं देते हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते अपने बच्चे पे, वो तीन बच्चों में अगर एक बच्चे को छोड़ देते हो और दो बच्चों में ध्यान, तो वो डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। बिल्कुल सही। मैं व्हाट आई फील यहाँ पर आपको सुनते हुए, ये तमाम चीजें हिस्टोरिकली भी और अभी भी ग्राउंड लेवल पर जो कुछ होता है आपको सुनकर, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हम तो सिर्फ पढ़कर या
यू नो समाचार पत्रों में या फिर अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ जो कुछ होता है वो हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लेकिन द्वंद अभी भी है जैसा कि मैं आपको सुन रही हूँ, और चुनौतियां अभी भी बेहिसाब है, लेकिन क्यों लगती हैं ये एक अहम सवाल है। धनंजय जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर तुरंत लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में, दर्शकों से कहेंगे आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा जय सिंधी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज के इस विषय का आधार एडम हैरी की वो स्टोरी, और किसी ट्रांसजेंडर को कानूनी पहचान से ही उसकी नौकरी का सवाल आज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्यस्थल पर उत्पीड़न रोकने के साथ वहां मिलने वाली तमाम सुविधाओं पर समान अधिकार को प्रोत्साहित आज भी किए जाने की जरूरत है, लेकिन द्वंद कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। धनंजय जी एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं स्ट्रेट टॉक में, लेकिन इसके साथ ही मैं ये बताना भी चाहूंगी दर्शकों को कि प्रोग्राम को हमें समअप भी करना है। सो धनंजय जी, ये जो द्वंद फंसने की मैं बात कर रही हूँ इस पर मैं 2 मिनट में आपका जो है वो संक्षिप्त एक उत्तर आपसे जानना चाहूंगी, प्लीज। देखिए मैं तो यही कहूंगी कि जो उन समाज की सोच है उसको बदलना होगा, और जो उसको जो एडम हैरी को जो लाइसेंस मिलना था उनको तुरंत देना चाहिए, और क्योंकि ये चीजें जो हैं ये एक मानव अधिकारों का हनन है, और हमें उसका भी पालन करना कि हमें ऐसे इंसान को आगे लाके आप उसको जो एडम हैरी ने लाइसेंस मिलेगा तो वो ट्रेनिंग के बाद ही मिलेगा, और ट्रेनिंग में अगर वो पास होता है, उत्तीर्ण होता है, तभी उसको लाइसेंस दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं किसी को पकड़ा दिया जी जाओ आप जहाज चलाओ, तो ये उनका तर्क सही नहीं है। और तीसरी बात, हमें कानून का भी पालन करना चाहिए। जब हमारे भारतीय कानून में जब ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन बिल पास हो चुका, एक्ट बन गया है, उसके मुताबिक हमें सभी का ध्यान रखना है, उनको मुख्य धारा से जोड़ना है, और फिर आप जो सेवाएं हैं भारत के प्रति हमारी कृतज्ञता, हम राष्ट्रवाद की आज कल्पना करते हैं कि राष्ट्रवाद हमें भारत की अपने देश के ऊपर कुर्बान होना है, तो इसके लिए भी हमें सबको मौका मिलना चाहिए कि हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी देश की सेवा करना है, और उसके लिए हमें मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। बाकी जो भी चीजें हैं वो तो देखिए कानूनी दाव पेच है, अगर ये कानून अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो एडम हैरी की ही जीत होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश एडम हैरी के साथ है, पूरा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी एडम हैरी के साथ है। कुछ लोग हैं जो 20% लोग हैं जो हमेशा से ना 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 करते हैं, उनका तो अभी चलने वाला नहीं है, तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। थोड़ा सा दिक्कत आती है, दिक्कतें हमारी साथ तो जुड़ी हैं, जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो ये नुक्ताचीनी तो होती रहती है, और उसी के बाद बड़ा मजा आता है कि जब हम लोग जीतते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हमें लगता है कि हम विजेता हैं। यही तो ट्रांसजेंडर का असली पहचान है कि वो तब तक के निकलता है। मेरे टीचर ने कहा था कि धनंजय खाक भी बनना तो सोने के बनना, तो ट्रांसजेंडर तो सोने की खाक है, चूल्हे की खाक नहीं है जी। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाती हूँ कि हमें कुछ भी काम देख के देखिए, आप तो आप सोच भी नहीं पाओगे कि हमने कितना बढ़िया कर दिया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप मिसाल हैं धनंजय जी, एक हम सभी के लिए मिसाल हैं, आप लोगों को आज मोटिवेट कर रही हैं। एंजाइटी डिप्रेशन का ये जो बहाना डीजीसीए की ओर से एडम हैरी को दिया गया, मैं तो कहूंगी धरातल पर रहकर आप इसी एंजाइटी डिप्रेशन को किस तरीके से दूर करके आप उन्हें मोटिवेट आज कर रही हैं, लोगों को, आम लोगों को, हर तरीके के जेंडर को, वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है। एडम
हैरी जो क्योंकि हिस्टोरिकली आपने वो स्टोरी हमारे साथ शेयर की थी अंबिका अंबावाली, मैं कहूंगी कि एक वो जो सारथी शिखंडी बनना चाहते थे, एक महारथी बनना चाहते थे, वही जो है एडम हैरी भी बनना चाहते हैं, लेकिन आज यही कानूनी और सामाजिक रवैये की वजह से वो ऐसा नहीं बन पाए। लेकिन अच्छी बात है कि एडम हैरी की वो हिम्मत जो है वो अभी टूटी नहीं है, एक ऑप्टिमिस्टिक रवैया उनका आपका भी, और ये आज आपको कहां से कहां लेकर आया है। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा, लेकिन इस सवाल के साथ हम ये जरूर कहेंगे कि समस्या जो है कहीं ना कहीं आज भी कानूनी से अधिक सामाजिक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना टाइम हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में भी अब वक्त हो चला है आप सभी से इजाजत लेने का, लेकिन कल एक नए विषय के साथ आप सभी के सामने होंगे रूबरू। जो जिंदगी के बाकी प्रोग्राम के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ, नमस्कार।